तो आज मैं आप सबको बता रही हूँ चार तरह की चटनी, जिसमें दो तरह की चटनी है और दो तरह का कुचला है या कूचा, दोनों चीज़ें हम बोलते हैं। कूचा या कुचला वो होता है जिसे हम पहले ज़माने में सिल पे बट्टे के साथ पीसते थे, लेकिन आज के ज़माने में तो सिल देखने को नहीं मिलता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बनाने जा रही हूँ हरी मिर्च और लहसुन का कूचा, और इसको कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। इसके लिए मैंने 10 से 12 हरी मिर्च ली है और 6 से 7 जवा लहसुन। इसे आप एक मिक्सर ग्राइंडर लें, दोनों चीज़ों को आप मिक्सर ग्राइंडर में डाल दें, और इसके बाद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। और इसके बाद आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में सिर्फ 20 सेकंड के लिए ही ग्राइंड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ये कुचला है, हमें चटनी नहीं बनाना है। और ये इस तरह से फिर तैयार है, और अब आप इसे एक बोल में निकाल दें, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके लिए मिर्च आप थोड़ी तीखी वाली लें, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, नॉर्मल पराठे के साथ, आलू के पराठे के साथ, सत्तू के पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, पकौड़ों के साथ, तो ये हर चीज़ हर तरह की चीज़ों के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी बना के एक दो दिन तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें एक टीस्पून सरसों तेल डाल दें और इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लें, और ये बस रेडी है। बनाना बहुत ही आसान है, तो बनाएं और खाएं और बताएं आप सबको ये कैसा लगा। इसके बाद हम बनाते हैं लाल मिर्च का कुचला या कूचा। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये है, हमें चाहिए 10 से 12 लहसुन के जवा और 10 से 12 लाल मिर्च, और इन दोनों चीज़ों को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, 2 से 4 मिनट से रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर सेम प्रोसेस ही हम रिपीट करेंगे यहाँ भी। ये देखिए ये रोस्ट हो गया, बहुत 2 से 4 मिनट ही करना है। मिक्सर ग्राइंडर में डालें, नमक डालें साथ में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और आप इसे 20 सेकंड के लिए ग्राइंड कर लें, और बस ये लाल मिर्च का कूचा रेडी हो गया। और बस आप यहाँ पर एक टीस्पून सरसों तेल डाल दें, और इस कूचे को भी आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ये ज़्यादा देर टाइम तक स्टोर हो सकता है। और इस कूचे को भी आप ऐसे भी खा सकते हैं, और इसका क्या यूज़ है मैं आप अपनी नेक्स्ट चटनी में दिखा रही हूँ। और ये चने दाल की चटनी, और चने दाल की चटनी भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून ऑयल, यहाँ पे चना दाल लिया है मैंने 50 ग्राम, 4 से 5 जवा लहसुन है और 2 लाल मिर्च। और इस चने दाल को आपको रोस्ट करना है, इसको भी इसको रोस्ट करना है आपको 5 मिनट। 5 मिनट तक आप इसे रोस्ट करेंगे, और ये देखिए इस तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, मतलब ये भुन गया है। और बस इसे ज़्यादा नहीं भुनना है, बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना, वरना ये इसमें एक जलने वाली टेस्ट आ जाएगी। बस हमें 5 मिनट ही करना। इसके बाद आप इसमें 1/2 कप पानी डाल दें, और इसको 10 मिनट के लिए आप इसी तरह छोड़ दें। ये 10 मिनट तक इस पानी के अंदर सोक होगा, और बस आप इसको छोड़ दें 10 मिनट के लिए। देखिए मैंने यहाँ इंडक्शन को बंद कर दिया है, और 10 मिनट हो गए। इसके बाद आप इसे एक बोल में निकाल दें, और बोल में निकालने के बाद आपको इसको अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसे वॉश नहीं किया था, हमने ऐसे ही रोस्ट किया था। तो अब इसे आप अच्छे से वॉश कर दें। और जो मैंने लाल मिर्च का कूचा बनाया था, तो आप लाल मिर्च और लहसुन ना देकर आप उस कूचे को भी डायरेक्ट डाल सकते हैं अगर वो है तो, और नहीं तो फिर आप इसमें 1 लाल मिर्च डालें या 2, और 4 से 5 जवा मैंने लहसुन डाला। नमक यहाँ भी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, और इसके बाद आपको इसको भी ग्राइंड करना है। इसके बाद आप इसको भी ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने से पहले आप इसमें पानी डालेंगे, पानी आपको 1/2 कप डालना है, और आपको 1 या 2 बार चलाकर बीच में देखना पड़ेगा ये किस तरह से फाइन पेस्ट हुआ, यानी ये अभी नहीं हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा और पानी डालना चाहिए तो आप और पानी डाल दें, और इसको फिर पीस लें। और ये देखिए इस तरह से ये चटनी रेडी हो गई, और इस चटनी को आप एक बोल में निकालें, और निकालने के बाद हम इसमें डालेंगे सरसों तेल। सरसों तेल इसमें आप 2 टीस्पून डालेंगे, और अगर आपको तब भी कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। और ये दाल की चटनी भी बहुत टेस्टी लगती है, आप इसे
बनाइए, ट्राई कीजिए और बताइए मुझे कमेंट करके कि कैसी लगी। आप इसे भी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। और अब हमारी नेक्स्ट चटनी है टमाटर की, और टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमें टमाटर को इस तरह से गैस पे भूनना होगा। ये देखिए इस तरह से आप भून लें और अच्छी तरह से इसे आगे पीछे से भूनना है। भूनने का टाइम 10 मिनट तो लग ही जाता है। अब ये एक तरफ से अच्छी तरीके से भुन गई है और ये अब मैं दूसरी तरफ से इसे भून रही हूँ। ये देखिए ये टमाटर अच्छी तरह से भुन गया। इसके बाद आप इसे एक बोल में निकाल दें और इसका जो भी ये जो जला हुआ छिलका है इसको आप निकालें और एक मैशर की हेल्प से आप इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। अभी टमाटर अच्छी तरह से मैश हो चुका है और जो हमने लाल मिर्च का जो कूचा बनाया था अब इसमें हम 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल दें। और नमक मैंने पहले डाल दिया था लेकिन फिर भी अगर आपको नमक कम लगता है तो आप नमक ऐड करें। और साथ में यहाँ पर 1 टीस्पून यहाँ पर हम सरसों तेल डाल रहे हैं। और बस ये टमाटर की चटनी लाल मिर्च और लहसुन के कूचे के साथ ये टमाटर की चटनी रेडी है। और मैं नमक थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। तो कोई भी चटनी हो या कुचला हो वो आपके खाने को दोगुना कर देता है, खाने के टेस्ट को बढ़ा देता है। तो इस तरह से आप झटपट बनने वाली इन सारी चटनी को ट्राई करें। और ये बस रेडी है हमारी टमाटर की चटनी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।